नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में मौसम का मिजाज तल्ख होने लगा है। तापमान धीरे धीरे ही सही तेजी से बढ़ने लगा है। इसके साथ ही गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। खासकर मध्य और दक्षिण बिहार में तापमान बढ़ने और गर्म हवा के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री पहुंच गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 गुना से ज्यादा का अंतर हो गया है और पिछले 5 दिनों से अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। इसी वजह से मौसम विभाग ने बिहार में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। मौसम के इस मिजाज से पटना के लोगों में इस बात का डर है कि गर्मी बढ़ने से शहर में जल संकट की स्थिति न उत्पन्न हो जाए। पटना के कई इलाकों में गर्मी में पानी की कमी होने लगती है। जलस्तर गर्मियों में काफी नीचे चला जाता है। अभी और बढ़ेगा तापमान, लू का खतरा। मौसम विभाग की माने तो सूबे में पश्चिम से आने वाली गर्म हवा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण मौसम में बदलाव आया है। गर्म हवा के कारण ही लोगों को परेशानी ज्यादा हो रही है। पटना में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। आने वाले समय में गर्मी कई साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ऐसे में लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना के अलावे गया, मुजफ्फरपुर में भी तापमान परवान पर है। अप्रैल में ही धूप जेठ की दोपहर की याद दिला रही है। कड़ी धूप की वजह से आगलगी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग भी अलर्ट पर है। बढ़ी आगलगी की घटनाएं, फायर ब्रिगेड अलर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ ही सूबे में आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसमें बड़ी जन और धन की हानि हुई है। आग लगने के कारण कई मकान जलकर राख हो गए। इस घटना में कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं हजारों एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बिहार अग्निशमन सेवा अभी से ही आग के खतरों से निपटने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम, फायर ऑडिट, वाटर सोर्स मैपिंग, नए जल स्रोतों को चिन्हित करने के साथ साथ फायर फाइटिंग के लिए उपकरणों की खरीद की जा रही है। इसके अलावे सार्वजनिक स्थलों पर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आगलगी की घटनाएं ना हो, इसके लिए 550 गृह रक्षकों को जिले में लगाया गया है। बहरहाल बिहार में जिस रफ्तार से तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं सरकार भी अब एक्शन में आ गई है। सरकार की तरफ से व्यवस्था मुकम्मल की जा रही है, लेकिन आम लोगों को भी सतर्कता बरतनी होगी ताकि जान माल का और अधिक नुकसान ना हो पाए। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।